Hello my dear students, welcome to this new video on my channel. Last video में जैसे आप जानते हैं हमने capacitors discuss किया था. Capacitors के related कुछ मैंने extra points discuss की थी. वो extra points जो आपको NEET या JEE mains जैसे exams में MCU solve करने में help कर सकती है. तो capacitor के ऊपर जो मैंने points बनाई थी, it was a part one of the series. आज कैपेसिटर के ऊपर मैं पार्ट टू बना रहा हूँ. इसमें भी हम कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट टू. आज जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट है द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर के कुछ अलग अलग टाइप्स हम देखेंगे. एक्चुअली कैपेसिटर काफ़ी अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, काफ़ी अलग अलग शेप्स और साइज के कैपेसिटर्स बनते हैं. बट आपके सिलेबस में जो तीन टाइप के मेनली कैपेसिटर्स हैं उसमें पहला है लेट्स से स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके बाद है एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन शॉर्ट पीपीसी. ओके, जो मोस्ट ऑफ द डेरिवेशंस हैं, मोस्ट ऑफ द थियरी पॉइंट्स हैं, वो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर होती है. तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस पीपीसी. लेकिन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल की भी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि स्फेरिकल और सिलेंडर से रिलेटेड कौन कौन सी फॉर्मूलाज हैं. तो आज हम पहले स्फेरिकल कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे. सी, लेट्स स्टार्ट विथ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके, अब देखिए, अगर मैं एक सिंगल स्फीयर ले लूँ ना, एक छोटा सा सिंगल स्फीयर ले लिया मैंने, सब ऐसा सिंगल स्फीयर है, इसका रेडियस आर है, तो एक्चुअली इसको कैपेसिटर नहीं बोला जा सकता. कि कैपेसिटर तभी बनता है जब दो कंडक्टर्स लिए जाएं, टू आइडेंटिकल और टू कंडक्टर्स विच शुड हैव अ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ऑन देम. तो वो दो कंडक्टर से कैपेसिटर बनता है. तो ये तो मैंने एक ही कंडक्टर लिया है, तो इसको आप फिलहाल कैपेसिटर तो नहीं बोल सकते. यू कैन सिंपली कॉल इट एज अ स्फेरिकल कंडक्टर. ओके, इट्स अ स्फेरिकल कंडक्टर. सपोज आपने इसको चार्ज दिया, तो चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पर रहेगा, चार्ज अंदर नहीं जाता है. ये आपको मालूम है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन चार्ज रिमेन ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, क्यों? अब इसकी जो सरफेस है ना, अगर मैं इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करूँ, पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इफ आई कैलकुलेट, तो पोटेंशियल आएगा 1/4 πε0 क्यू बाय आर. अब मालूम है आपको ये, इट्स अ फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, सो ये पोटेंशियल है, इसको मैं V लिख देता हूँ. ओके, 1/4 πε0 आर क्यू बाय आर. अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इसमें से हमें मिल सकता है क्यू बाय वी इक्वल टू 4π ε0 आर. बराबर, अब इवन दो ये कैपेसिटर नहीं है, एक सिंगल कनेक्टर है. सिंगल कनेक्टर के लिए भी मैंने आपको बताया था कि क्यू बाय वी जो है ना, इसको C लिखा जा सकता है. इवन फॉर सिंगल कनेक्टर क्यू बाय वी कैन बी रिटन एज C. सो कैपेसिटेंस ऑफ द सिंगल कनेक्टर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ओके, बहुत ईजी फॉर्मूला है, 4π ε0 जो कॉन्स्टेंट होता है इंटू रेडियस. अब क्योंकि 4π ε0 तो कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. जितना इस स्फीयर का रेडियस ज़्यादा होगा उतना ही इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी. गेटिंग? सी प्रोपोर्शनल टू आर. अगर आप एक ऐसा कैपेसिटर बनाओगे जो अर्थ की साइज का है, ओके, अगर आपने सपोज एक कैपेसिटर बनाया जो अर्थ की साइज का है, इमेजिन अर्थ भी एक गोल ऑब्जेक्ट है, एक पूरा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है. सपोज मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया जो अर्थ की साइज के जितना बड़ा कंडक्टर है. ओके, इतना बड़ा कंडक्टर आप रखोगे कहाँ पे? अर्थ पे रखोगे. वो आप मत सोचो कि अर्थ की साइज का कंडक्टर हम रखेंगे कहाँ पे, अर्थ पे, वो नहीं है, थियोरेटिकल है, इमेजिनरी. तो इतना बड़ा अगर आपने कंडक्टर बनाया जिसकी अर्थ के साइज का है, तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस होगा 6400 किलोमीटर्स, जो अर्थ का रेडियस है. ये अगर आपने वैल्यू यहाँ पे डाल दी तो आपको मिलेगा कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर विच इज ऑफ द साइज ऑफ अर्थ. तो आप ये रेडियस डालना पड़ेगा और 4π ε0 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो आपको मालूम है. सॉल्व करके जो ये जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 711 माइक्रोफेराड. सो दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर विच इज ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ. ठीक है, इसको हम लोग 0.711 मिलीफेराड भी लिख सकते हैं. तो देखिए अर्थ कितना बड़ा है, अर्थ का रेडियस काफ़ी बड़ा है. जितना रेडियस बड़ा होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा. तो अर्थ के जितना मैंने रेडियस ले लिया, फिर भी उसका कैपेसिटेंस जो देखिए वो 1 फेराड भी नहीं है, इट्स 0.7 मिलीफेराड. इट इज़ नॉट इवन
एग्जैक्टली 1 मिली फेराड, इट इज़ 0.7 मिली फेराड। तो मतलब आप समझ सकते हो इसे कि जो 1 फेराड है ना वो बनना बहुत मुश्किल है। 1 फेराड इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। अब अर्थ की साइज का बना दिया तो भी कैपेसिटेंस देखिए 0.7 मिली फेराड है, क्लियर। तो ये वापस मैं बता रहा हूँ, इसको आप कनेक्टर बोल सकते हो, ये कैपेसिटर नहीं है बिकॉज ये सिंगल बॉडी है। अब देखिए व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, ये आपने ले लिया, इसके बाहर हम लोगों ने एक सपोज एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लिया लाइक दिस। ये अब अंदर के स्फीयर को तो हमने चार्ज दे दिया है, लेट से ये क्यू। तो ये बाहर का जो स्फीयर है इसकी जो बाहर का स्फीयर है उसकी इनर सरफेस पे ऐसे चार्ज आएगा। ये चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनर स्फीयर नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन दिस आउटर स्फीयर। अब इसको अगर आपने अर्थिंग दे दिया ना प्रॉपरली, अर्थिंग दे दो तो क्या होगा, इसकी जो बाहर की सरफेस है मतलब ये जो इनर सरफेस है उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, बाहर की सरफेस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। ओके, जो भी बाहर की सरफेस पे चार्ज है वो अर्थ पे चला जाएगा, क्योंकि जब आप अर्थिंग कनेक्ट करते हो तो पोटेंशियल ऑन दिस पॉइंट शुड बी जीरो ना। यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो लाने के लिए जो भी इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ में चला जाएगा। तो इसकी जो नेगेटिव प्लेट है, सी दिस, दिस वर्किंग लाइक ए नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और ये पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव पे प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर वाले पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, इंड्यूस चार्ज है ये। दिस इज अ वे स्फेरिकल कैपेसिटर लुक्स। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ इनर स्फीयर एज वेल एज आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर का जो रेडियस है मैं R1 कर देता हूँ और जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस R2। अब ये कैपेसिटर है, गेटिंग, इट इज इंडीड अ कैपेसिटर। ओके, अब देखिए बाहर वाले वाले मैंने बोला बाहर वाले को तो हम लोग अर्थिंग कर देंगे तो उसका पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस विल बी जीरो। अब अगर मैं पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस विल बी जीरो, अब अगर मैं पोटेंशियल यहाँ पे निकालूँ कौन सी सरफेस पे, इनर सरफेस पे, तो पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस विल कम 1/4π0 Q/R1। ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हुआ। अब अगेन यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल आएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा इनर सरफेस पे, 1/4π0 -Q/R2। दिस इज अ टोटल पोटेंशियल ऑन द इनर सरफेस। ओके, पोटेंशियल ऑन द इनर सरफेस ये है, तो Q/4π0 तो कॉमन है, इन द ब्रैकेट 1/R1 -1/R2। ये अपने वो टॉपिक किया हुआ है पोटेंशियल इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स। तो पोटेंशियल जब यहाँ पे निकालोगे तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों निकलेगा। अब ये पोटेंशियल इनर सरफेस पे, बाहर की सरफेस पे कितना पोटेंशियल है, जीरो। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना वो भी यही हुआ ना, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, Q/4π0 यहाँ पे हो जाएगा R2 - R1, नीचे R1 R2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे तो Q/V कैन बी ऑब्टेन दिस वे, चेक, ये Q/V हो गया। Q/V को ही कैपेसिटेंस लिखते हैं ना, इट्स अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कितना आ गया, 4π0 R1 × R2/R2 - R1। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये V जो मैंने निकाला वापस सुन लो, इट्स अ पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस बट पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस इज जीरो एज इट इज अर्थंड। तो यहाँ पे जीरो मान के मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही हो गया ना। तो Q/ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन C। ओके, तो अगर एक सिंगल स्फीयर है तो ये है उसकी फॉर्मूला कैपेसिटेंस की, और अगर एक डबल स्फीयर है, ये दिस इज अ प्रॉपर कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस ये रहती है। करिंग, दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, अब क्विकली सिलेंड्रिकल देख लेते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सी, लेट्स डिस्कस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर लाइक दिस। अभी सिलेंडर इन्फाइनाइट लॉन्ग तो नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटर के अंदर है, तो ये फाइनाइट ही होगा। इसके सिलेंडर के ऊपर सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज देकर रखा है लाइक दिस, और इसका जो इनर रेडियस है ना, ये देखिए रेडियस,
आर वन ले लेते हैं फिर से आर वन। अब इसके सराउंडिंग में एक और सिलेंडर आएगा दिस, मैं थोड़ा क्विकली बात कर रहा हूँ, क्विकली ख़त्म करूँगा क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा मैं छोटा रखना चाहूँगा। तो ये जो बाहर का सिलेंडर है ना, इसको जैसे आपने लाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है इसका इंड्यूस्ड दिस, ओके। और फिर इसको हम लोग अगर अर्थिंग दे दें तो इस आउटर सिलेंडर की आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो चला जाएगा अर्थ में, ओके। तो चार्ज इज गिवन टू द इनर सिलेंडर, जो आउटर सिलेंडर उस पर जो आया है चार्ज माइनस क्यू, वो इंड्यूस चार्ज है। हमने जो चार्ज दिया है वो इनर सरफेस को दिया है, ठीक है। इसलिए ना जो आउटर सिलेंडर है, यू कैन सी दैट इट्स आउटर सिलेंडर, इसका जो रेडियस है आउटर सिलेंडर का वो आर टू है, और इनर सिलेंडर जो है उसका रेडियस आर वन है। डायग्राम दिख रहा है, वही देखो। अब देखिए, अब इसमें कैसे करेंगे, देखो सपोज ये जो इनर सिलेंडर है ना, सॉरी ये जो इनर सिलेंडर है, यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल वी वन ले लेते हैं, वी वन इज अ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, एंड यहाँ पे आउटर सिलेंडर पे पोटेंशियल जो है वो वी टू है, ठीक है। तो अब होगा क्या, इन वी वन वी टू के बीच में सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, वो मैं निकाल रहा हूँ पहले। कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है। अब क्योंकि ये सिलेंडर फाइनाइट है, बराबर, लेकिन होता क्या है कि ये एक्चुअली इन द रियलिटी ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं, इन रियलिटी दे आर वेरी लिटिल गैप इज देयर। इमेजिन करो अगर ये सिलेंडर एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, तो ये जो पॉइंट मैंने लिए ये भी काफ़ी नज़दीक होगी सिलेंडर के। अगर ये पॉइंट सिलेंडर की काफ़ी नज़दीक होगी तो इस पॉइंट के लिए सिलेंडर जो है वो इनफाइनाइट का ही काम करेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। द सिलेंडर इवन दो इट इज़ फाइनाइट बट इट वर्क्स लाइक अ इनफाइनाइट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट इसके बहुत ही क्लोज चली जाएगी। देखो सिंपल बात है, अगर ये बहुत लंबी बिल्डिंग है, एग्जाम्पल करो ये बहुत ही लंबी बिल्डिंग है, बहुत लंबी बिल्डिंग भी फाइनाइट ही होती है, बराबर। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबी बिल्डिंग के बहुत नज़दीक जाके खड़े हो गए, एकदम ग्राउंड पे उसके डोर के बाहर खड़े हो गए, तब को वो बिल्डिंग जब देखोगे ना ऊपर, आपको इनफाइनाइट लॉन्ग जैसी दिखेगी। फॉर दिस पॉइंट व्हेन इट इज क्लोज द सिलेंडर वर्क्स लाइक अ इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर टू दिस, तो दिस इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लैम्बडा बाय टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ये आपने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में देखी होगी, इट्स अ फॉर्मूला फॉर ई आउटसाइड द लॉन्ग सिलेंडर विच इज इनफाइनाइट लॉन्ग। ये ई आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने ई क्यों फाइंड किया मैं बता दूँ, ओके। ये जो V1 V2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो ये जो स्पेस है उसमें सपोज मैंने उस स्पेस के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ dV, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेट्स से यहाँ पर दो पॉइंट लिया, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस dV है, इट्स माइनस E डॉट विद dr, दिस फॉर्मूला यू नो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV विल बी गिव यू V, E इज दिस मच लैम्बडा बाय टू पाई एप्सिलॉन जीरो आर। थोड़ा हाँ अलग मेथड है इसको डिराइव करने का, इसके बिना आप कैपेसिटेंस डिराइव भी नहीं कर पाओगे इसका, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन जीरो तो बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर विल बी लॉग ऑफ आर एल एन ऑफ आर, ओके, माइनस साइन है वी। अब देखिए लिमिट्स कैसे होंगी, लिमिट्स पोटेंशियल जो है वो वी वन से वी टू तक चेंज हो रहा है, लेट्स से यू स्टार्ट फ्रॉम वी वन एंड चेंजेस अप टू वी टू, वी वन से वी टू। जब आप यहाँ पर हो, यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, लेकिन ये R फिर कितना होगा, R विल बी चेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2, ये जो स्मॉल R है इट चेंजेस फ्रॉम R1 टू R2, दिस वी कैन राइट, ओके। लिमिट्स पुट करो और ये जो इधर लिमिट्स आओगे तो V2 माइनस V1 आएगा, ये नेगेटिव साइन की वजह से इट बिकम V1 माइनस V2। नेगेटिव साइन मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर डाल दिया, लैम्बडा बाय टू पाई एप्सिलॉन जीरो, और इधर भी आप प्लीज पुट करो वैल्यू, इट इज विल बी लॉग ऑफ R2 बाय R1, बराबर। इसमें भी लैम्बडा आपको याद है क्या है, लैम्बडा तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, लैम्बडा इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस सिलेंडर पर यूनिट लेंथ, लेंथ चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस सिलेंडर पर यूनिट लेंथ, क्यू बाय एल इज लैम्बडा ना। तो ये जो लैम्बडा है इसको मैं डेरिवेशन देख लेना अच्छे से, लैम्बडा को मैं क्यू बाय एल लिख रहा हूँ, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और ये जो है वी वन माइनस वी टू, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ना, लॉग ऑफ आर टू अपॉन आर वन। अब इसमें से भी आप प्लीज क्यू बाय वी निकाल लो, क्यू बाय वी विल बी टू पाई एप्सिलॉन जीरो एल लॉग ऑफ आर टू अपॉन आर वन। Q
क्यू बाय वी इज कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सी डू इट. ओके, थोड़ी अजीब डेरिवेशन है, मुझे देखा है खास करके स्टूडेंट इस फॉर्मूला में अटकते रहते हैं. मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये जो फॉर्मूला है डेरिवेशन, इस फॉर्मूला का मालूम है आपको. ये फॉर्मूला पोटेंशियल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन है. तो जब आपके वी वन वी टू और ये ई के बीच में रिलेशन निकालना है तो ये फॉर्मूला चलती है. ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कंप्लीट किया. अब हम लोग जाएंगे एक नेक्स्ट पॉइंट पे. चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. अब ये क्या है, इसमें ऐसा होगा कि दो या तीन चार कैपेसिटर्स होंगे जो सीरीज पैरेलल या कुछ अजीब कॉम्बिनेशन में होंगे और हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी होती है. ठीक है, आपको कैपेसिटेंस इन सीरीज और पैरेलल की फॉर्मूलास मालूम है, लेकिन फिर भी क्या होता है कुछ ऐसे सर्किट्स दिए हो जाते हैं जिसमें समझ में नहीं आता है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है. तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. ये इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझाऊंगा. सपोज यहाँ पे बोला गया कि ये एक प्लेट है, दिस इज वन हॉरिजॉन्टल प्लेट मेटलिक, दिस इज ऑल्सो मेटलिक प्लेट, दिस इज ऑल्सो वन मोर प्लेट एंड वन मोर प्लेट. चार प्लेट्स ले लेते हैं फॉर टाइम बीइंग. इसमें जो पहली और तीसरी प्लेट है वो आपस में जॉइंड है ऐसे एंड गोइंग टू ए. सेकेंड और फोर्थ प्लेट जो है वो भी आपस में जॉइंड है लाइक दिस गोइंग टू बी. ओके, कोई भी जो दो प्लेट्स हैं, कोई भी जो दो एडजेसेंट प्लेट्स हैं उनके बीच में डी डिस्टेंस है और ये प्लेट्स की जो एरिया है, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए. देखिए चार प्लेट्स हैं, वन टू थ्री फोर. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बस इतना ही है दैट फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बस वही फाइंड करना है. तो ऐसे क्वेश्चन में भी स्टूडेंट काफ़ी अटकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है. अभी देखिए इसमें चार प्लेट्स हैं, बराबर चार प्लेट्स के बीच में तीन कैपेसिटर बन सकते हैं मैक्सिमम, फोर प्लेट्स से थ्री कैपेसिटर बन सकते हैं, एक कम बनता है, फाइव प्लेट्स से मैक्सिमम फोर कैपेसिटर बन सकते हैं. देखिए एक कैपेसिटर जो है वो वन और टू के बीच में बनेगा, दूसरा कैपेसिटर टू और थ्री के कॉम्बिनेशन से बनेगा और एक कैपेसिटर बन सकता है थ्री एंड फोर के कॉम्बिनेशन से, बराबर. तो तीन कैपेसिटर बन सकते हैं मैक्सिमम. तो भी करने का क्या, इसमें आप देखिए जैसे मैं आपको तीन कैपेसिटर बताए, बिटवीन वन एंड टू, बिटवीन टू एंड थ्री एंड बिटवीन थ्री एंड फोर. इनमें से भी क्या होंगे, कुछ प्लेट्स ऐसी होंगी, कुछ प्लेट्स ऐसी होंगी जो दो कैपेसिटर्स में एक साथ आएंगे, कॉमन टू द टू कैपेसिटर्स. वो प्लेट है प्लेट नंबर टू एंड थ्री. अब देखोगे जो प्लेट नंबर टू है वो ऊपर वाले कैपेसिटर और मिडिल वाले कैपेसिटर दोनों में जाएगी, प्लेट थ्री जो है वो भी ऊपर वाले कैपेसिटर और नीचे वाले कैपेसिटर दोनों में चली जाएगी. ओके, मतलब प्लेट थ्री की जो अपर सरफेस है वो ऊपर वाले कैपेसिटर में जाएगी और प्लेट थ्री की जो लोअर सरफेस है वो लोअर वाले कैपेसिटर में जाएगी. तो जो ऐसे ही प्लेट्स हैं ना जो दो दो कैपेसिटर में कॉमन है उसको आप दो दो बार बनाएंगे. सी देखो, सेकेंड प्लेट मैंने दो बार बनाई, ये जो है ना ये सेकेंड प्लेट की अपर सरफेस डिनोट कर रहा है और ये सेकेंड प्लेट की लोअर सरफेस डिनोट कर रहा है. फिर थर्ड कैपेसिटर भी दो बार है ना, थर्ड प्लेट भी दो बार आ रही है ना, ऊपर वाले कैपेसिटर में नीचे, थर्ड प्लेट को भी मैंने दो बार बनाया, सेकंड आपने यहाँ पे बनाई है, थर्ड उसके थोड़ा नीचे बनाना है ऐसे. अब देखिए करना क्या है, फर्स्ट प्लेट जो है मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर किसके बीच में आएगा, वन एंड टू के बीच में, दूसरा टू एंड थ्री के बीच में और आखिरी थ्री और फोर के बीच में दिस वे. ये देखिए ये जो यहाँ पे तीन कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिए. अब देखिए वन और थ्री प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है, देखिए वन और थ्री आपस में जुड़ी हुई है ना गोइंग टू ए, सेकेंड और फोर्थ प्लेट भी आपस में कनेक्टेड है एंड गोइंग टू बी. सेकेंड प्लेट और ये फोर्थ प्लेट आपस में जुड़ी हुई है बी. तो ये जो आपका सर्किट डायग्राम है उसको इट कैन बी सिंप्लीफाइड एंड ड्रॉन दिस वे. अब तो ये बहुत ईजी है, कोई भी समझ सकता है कि यहाँ पे तीन कैपेसिटर हैं जो पैरल में कनेक्टेड है. लेट से इसका कैपेसिटेंस सी है, सी और सी, तो टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, पैरल में ना ये दिनों, तो 3C आएगा, बराबर. सही सी, हालांकि सी मैंने क्या अज्यूम किया है, कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी गिवन है और एरिया गिवन है ए. तो ये जो सी है ना कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सी को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी एट द मोस्ट, इस टर्म्स में आएगा अल्टीमेटली. दिस इज कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स, सॉरी बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स.
ये काफी मैंने एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करा है स्टार्टिंग के लिए। ऐसा एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सो इट्स सो एज टू मेक इट मोर क्लियर। चलिए ऐसा कुछ एक सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। सी फर्स्ट प्लेट, सेकेंड प्लेट, थर्ड प्लेट, ओके, और फिर से ये फोर्थ प्लेट। चार प्लेट ले ली, 1 2 3 4। अब करेंगे क्या, सपोज ये जो फर्स्ट और थर्ड प्लेट है वो आपस में ही कनेक्टेड है, सेकेंड प्लेट गोइंग दिस वे, फोर्थ प्लेट गोइंग दिस वे, ऐसा। एंड अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो वही हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था याद है, वही फॉलो करो। कितने कैपेसिटर्स बनेंगे इन दिनों की चार प्लेट्स के बीच में? 3 कैपेसिटर बनेंगे। कौन सी प्लेट्स कॉमन होंगी? 2-2 कैपेसिटर्स में कॉमन होंगी। अगेन सेकेंड एंड थर्ड विल बी द कॉमन प्लेट्स, सेकेंड और थर्ड जो है वो दोनों कैपेसिटर्स में जाएंगी। तो मैंने कहा था सेकेंड प्लेट आप 2 बार बनाओगे लाइक दिस, थर्ड प्लेट भी आप 2 बार बनाओगे, लेकिन ऐसे बनाओ इधर थोड़ा ऐसे। अब देखिए फर्स्ट प्लेट भी आप बनाओ, फोर्थ प्लेट भी बना लो ऐसे। पहला कैपेसिटर किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में, दूसरा कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में, और लास्ट कैपेसिटर 3 और 4 के बीच में, ये देखो ऐसे। अब देखो फर्स्ट और थर्ड आपस में ही कनेक्टेड है, फर्स्ट और थर्ड है ना आपस में ही ऐसे कनेक्टेड है और कहीं नहीं है जा रही है। अब सेकेंड प्लेट ए को जा रही है, सेकेंड प्लेट का ए टर्मिनल है, और सेकेंड प्लेट ये भी सेकेंड ही है, और जो फोर्थ प्लेट है वो बी को जा रही है, बराबर देखिए ऐसे। दिस अबव डायग्राम कैन बी ड्रॉन दिस वे। अब ये थोड़ा सा मैंने गैप ज़्यादा बनाया प्लेट्स के बीच में इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ये बहुत ही सिंपल हो गया अभी सर्किट, ये कुछ कुछ ऐसा है सर्किट अभी, बराबर ना। सपोज कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट्स इज सी सी सी, ये दोनों सी जो है वो पैरल में है, तो इनका सी और सी जब आप पैरल में ले लोगे ये 2C आएगा, और फिर ये जो 2C आएगा वो सीरीज में है इस C के साथ, वो तो आप समझ सकते हैं। फाइनल आंसर आएगा 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, इट इज 2/3 ऑफ सी, इट्स इक्वल इन कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 2/3 ऑफ सी। सो मुझे उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन अभी आप कर पाओगे। बस जैसे ये सर्किट गिवन है ना, चार प्लेट्स हैं तो आप चारों प्लेट ड्रॉ करो, कोई कोई प्लेट 2 बार बनेगी, वो मैंने आपको समझाया कैसे। फिर जहाँ पे जो प्लेट ए के साथ जुड़ी हुई है वो यहाँ पे ए के साथ दिखाओ, जो प्लेट बी के साथ कनेक्टेड है उसको बी के साथ दिखाओ, जो प्लेट आपस में कनेक्टेड है वो आपस में कनेक्ट करो, ऐसा कुछ सर्किट बनाओ। इसमें आपको आराम से पहचान में आ जाएगा कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है, उसको सॉल्व करके फिर फाइनल आंसर आएगा। सो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स गो विद द नेक्स्ट। चलिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये क्या है, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें ऐसा होगा कि ये देखिए काफ़ी सारे कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, लेकिन ऊपर वाले सारे कैपेसिटर्स 10 हैं और सब मिडिल वाले 5 हैं। ये 10 और 5 की जगह कोई और वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन ये 10 5 यहाँ पे देखिए 10 5 10 5 10 5 ये रिपीटिंग है ऐसे एकदम, और यहाँ पे डॉट 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 ऐसे, मतलब ये इनफाइनाइट ऐसे रिपीट हो रही है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में ऐसे यहाँ पे इनफाइनाइट चेन है कनेक्टेड, इनफाइनाइट चेन ऑफ कैपेसिटर्स। अब क्वेश्चन वही रहेगा दैट फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वही क्वेश्चन रहेगा। ओके तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, इनफाइनाइट है अजीब होगा, फिजिक्स में गलत फहमी होती है, फिजिक्स कभी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप कॉमन सेंस से सोच सकते हो, कॉमन सेंस है आपको, अगर कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए राइट, कॉमन है वो तो आराम से फिजिक्स के सम होते हैं। ये डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बिल्कुल नहीं। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको मालूम है ऑलरेडी, सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। आपको मालूम है अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट है, सपोज आई हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ समथिंग, इनफाइनाइट में मैंने अगर एक जोड़ दिया, एक चीज़ और डाल दी उसमें, तो भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। इन्फिनिटी प्लस 1 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। मतलब इन्फिनिटी में एक जोड़ने के बाद कुछ चेंजेस नहीं होती है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहता है, बराबर। ये चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, देखना ठीक है। देखो अब ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में ना सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आइडेंटिफाई
द रिपीटिंग यूनिट, आइडेंटिफाई रिपीटिंग यूनिट। अभी क्या ये जो पूरा इन्फाइनाइट कैपेसिटर है ना, ठीक है, इसमें ये जो है, ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है कि बार बार रिपीट हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर भी है, ये चीज़ यहाँ पर है, तो ये इसको बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट, जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई हो गया। रिपीटिंग यूनिट में क्या क्या आ रहा है, 10 और 5 माइक्रोफेरेट्स आ रहे हैं ये। उसके बाद आपको जो सेकेंड स्टेप है वो है कि लेट सपोज एक्स बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज जो ए और बी पॉइंट है ना, इनके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है, एक्स है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो वो एक्स है। सपोज इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, एक्स है, ठीक है। मतलब एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ पे इनफाइनाइट कैपेसिटेंस है और इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का टोटल कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, एक्स है, ठीक है। तो एक बात, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच में जो ये सारे इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं, इनका टोटल कितना है, एक्स फेराड्स है, एक्स इज अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मतलब इन सबको रिप्लेस करके यहाँ पे मैं एक ही कनेक्ट कर सकता हूँ ना, ऐसे एक्स। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है कि इन सबको रिमूव करके आप एक ही कनेक्ट कर सकते हो, वो होता है इक्विवेलेंट, एक्स, ठीक है। तो ये मैं कर सकता हूँ। अब देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मैं ये रिपीटिंग यूनिट जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, एक रिपीटिंग यूनिट मैं इसमें जोड़ देता हूँ फिर से। ये देखो 5 माइक्रोफेराड और ये 10, देखो मैंने एक रिपीटिंग यूनिट मैंने जोड़ दिया, देखो यहाँ पे। तो एक बात, यहाँ पे इनफाइनाइट कैपेसिटर्स थे जिनका टोटल कितना आया था, एक्स आया था। अब इसमें अगर मैं एक यूनिट जोड़ दूँ, ये रिपीटिंग यूनिट जोड़ दिया, अब मैं फिर से कैपेसिटेंस निकालूँ ए और बी के बीच में, तो क्या वो एक्स से अलग आएगी क्या? नहीं, इनफाइनाइट कैपेसिटर में अगर आप एक यूनिट सेल जोड़ के वापस इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो एक्स का एक्स ही आना चाहिए, तो इन सब का टोटल एक्स आएगा। ध्यान से समझो इसको, ओके। तो द टोटल ऑफ दिस ऑल कैपेसिटर विल बी अगेन एक्स। तब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, 5 और x पैरेलल में, तो टोटल विल बिकम 5 + x। इट्स अ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस टू, 5 + x। अभी दो 5 + x जो है, दीज आर इन पैरेलल, इनका जो टोटल आएगा इट इज इन सीरीज विद दिस 10, 10 इज इन सीरीज विद दिस पैरेलल। सो यहाँ पे आएगा 10 को इनके साथ सीरीज ले लो, तो 10 × 5 + x डिवाइड बाई 10 + 5 + x, ये होता है ना सीरीज में। कौन कौन सीरीज में है, ये 5 + x और ये 10 जो है वो सीरीज में है, ठीक है। ये आएगा आपका टोटल कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ए एंड बी पॉइंट के बीच में टोटल कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स, पूरा एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करो, इट इज़ 50 + 10x, और ये इधर शिफ्ट करो, ये कितना है, 15 हो गया ना, 15 + x इधर जाएगा इंटू एक्स। थोड़ा सा सॉल्व करो, 50 + 10x इक्वल टू 15x प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा रीअरेंज करो, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू। आपको देखो एक क्वाड्रेटिक मिलेगी इक्वेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक विथ अननोन एक्स। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको मालूम है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इनफैक्ट एक्स की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। लेकिन एक एक्स की वैल्यू सपोज पॉजिटिव में आएगी और एक नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होती है, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट जस्ट पॉजिटिव वैल्यू वी एक्सपेक्ट। तो एक्स आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे एक्स आ जाएगा, एंड एक्स ही हमको फाइंड करना था ना, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन कैपेसिटेंस। सो इस तरीके से ये कैपेसिटेंस डील होते हैं। रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करो, एक्स ले लो, एक्स लेने के बाद इसमें एक यूनिट जोड़ दो, फिर भी इनका आंसर एक्स ही निकलना चाहिए, दैट वे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होते हैं, क्लियर, मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। ओके, तो इसके साथ मैंने कैपेसिटी की कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए, ओके। अभी भी कुछ अगर आपके कन्फ्यूजन्स हैं, डिफिकल्टी है रिलेटेड टू कैपेसिटर या किसी और टॉपिक में, यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज सुन एज पॉसिबल, ओके। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।